नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर विधायकों के 5 वर्षों का लेखा जोखे की हकीकत जानने हमारी टीम विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रही है, जहां लोगों के द्वारा अपनी पीड़ा खुलकर बताई जा रही है। आगामी नवंबर दिसंबर माह में फिर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। जिन वादों को करके नेता जनता का समर्थन लिया और विधानसभा पहुंचे, उसी जनता के दुख सुख और जरूरतों को कितना पूरा किया, ये जानने के लिए हमारी टीम लगातार विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है। बीते दिनों हमारी टीम सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के सतनी, चौरा, बैजनाथ सहित 2 दर्जन गांव का भ्रमण किया, जहां लोगों ने बताया कि सड़क, पानी, बिजली के लिए मोहताज हैं। शासन की योजनाओं का लाभ सिर्फ नेताओं के गुर्गों को मिल रहा है, जबकि आम जनता वोट देने के बाद ठगी महसूस कर रही है। हद तो ये हो गई कि 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और क्षेत्र की जनता विकास के 3 कार्यों को भी नहीं गिरा पाई, जबकि आप अक्सर देखते हैं कि सोशल मीडिया में विधायक वाहवाही लूटने के लिए आए दिन भूमि पूजन की फोटो पोस्ट करते हैं, तो कहीं जनता दरबार लगाया जाता है। हकीकत देखना हो तो आइए आपको ले चलते हैं जनता के बीच, देखिए हमारी इस खबर में, जिससे हकीकत महसूस हो जाएगी कि किस तरह से सेमरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता त्राही त्राही कर रही है। हाँ काका, बताई। पानी निकल के डब्बा भर के उठे धरी। क्या नाम है आपका? ये कौन सा गांव है आपका? क्या समस्या है बताइए? तो पानी पीने को मिल रहा है ना, कुछ रोजगार है, या मैंने जो कुछ करा था तो लगे अंडा अंडा दौड़े। जब वोट वोट पर होता तो सरपंच सेक्रेटरी आई है कि हमारी दिया वोट, हम चीने के गांव घर के आए हैं, और जहां वोट पर जाए तो होई गहरा जाए तो डंडा लेके जो कुछ काम है साइन करावे के है। कहीं कहां के हम चिंता नहीं आ गई जाए, हम चिंता नहीं आ गई। घर गिरा ले, पहले घर गिरे लागे, आए सब जमात मारता टेक के साथ घर गिरे लागे। सरपंच सेक्रेटरी है, गोरन के पानी बेकार होई गए, कुछ नहीं होवा करावे। इन 4 सालों में विधायक जी आपके गांव में आए, विधायक का कलेक्टर कुछ नहीं कराएगा। पैसा नहीं मिला, 300 रुपया मिला, 2000 इन 4 सालों में विधायक जी के द्वारा 3 काम ऐसे कोई है आपके इस गांव मोहल्ले में? कुछ नहीं, कैसा छकवा नहीं, विधायक गांव देश कभी ऐसा छकवा ने कहा नहीं आई है। तो मतलब इन 4 सालों के बीच में जो उन्होंने काम किया, कुछ तो नहीं करी, 5 अंकों में से आप उनको कितना अंक देना चाहेंगी? अपना क्या नंबर दे? क्या दे? हमारा घर गिर गया, फोटो साल लग गया, ए आलता टेक आ जाते के रुपया नहीं दी। हम लोग पन्नी छा हम भर के चली दे के ही पानी मेहनत मजदूरी कह के मनाई काम करा था, तो मैं बाधा लगाई है कि बस ये भाई से सब तुम ही समझा कह ले सब बच्चा ले नगर बना दे। सब कंपनी का जमीन दादी हमें काम नहीं दे रहे। हाँ सब बंद है जा। अरे 1000 रुपए मिले आप? अरे हमें नहीं मिला कुछ दादा, 1000 ब्याज मिली, बहुत देर वाला नहीं है। और क्या समस्या है यहाँ पे अपने? समस्या सभी लड़का बच्चा भूखन मारा थे, दारू कोरस गोली मोदी देवे करी मारे, यहाँ पब्लिक मेहरिया मारा मंसरुआ पीन अकाड़ी ना आता। तो विधायक जी ने कुछ किया है आपके यहाँ? विधायक जी ने करी कि दारू का रस बिकाए, और कुछ बिकाए चाहे ना बिके, 1000 दे वाला को अपन बाप मादर चोद दे नहीं आन को उदाई दे। विधायक जी दारू बिकवा रहे हैं आपके मोहल्ले में? आओ का करी, अरे मोहल्ले में तो मामा बिका थी, जहाँ खुली हाउली मन से हुआ जाके हाउली में पिया आवा, अब फिर घर में उद्यान की अब मेहरिया मारा है, फांसी लगावे की आगे लगा के भागा माइके। मैं आपका ये कौन सा गांव है? अब यहाँ आपकी जो है विधायक के कोई ऐसे 3 काम बताइए जो उन्होंने अपने कार्यकाल पे किया हो। अब कौन काम विधायक बताएंगे? अभी आज पियासन मनाई मरा, भूखन मरा,
काम रहा रोजगार तो कंपनी नहीं हिर कह दे बाल मना यहीं से रही लगा चार रोज से भूखे पिया से भाई जब इनका खेत तो जहरा जमीन लाई तब का करी हम पचे भूखा मारा थे लड़का बच्चा अब 5 किलो गल्ला बता दे 5 किलो माँ हम 5 किलो घर से दे मैं सबका पूछवाए खाना दें हम पचे के कुराई खाई हम पचे मजदूर मना यहाँ जब तक गाड़ी फर हुआ झुमाड़ा तक गाड़ी उठाएगा तो इसे खाप का खावा कर जब आप लोग भीतर घुसे हैं तो चाय या चुकड़ा हम बच्चे आखिर न देखा कभी चाय नाश्ता कि कब में हुआ थे नल जल योजना के पानी पहुंचा अपने घर तक पानी भर पिया खा का ना खा पानी पहुंचा अपने कि नहीं पानी नहीं पहुंचा यार पानी पहुंचे ना खाने का पहुंचा जब कंपनी मनाई जाऊँ रोजगार में रहा तो वो कब बंद कर रहा है तो मनाई जबरदस्ती की ही चला लड़का बच्चा रही इन 4 सालों में विधायक से कौनो अपन लोगन को फायदा हुआ कऊ फायदा गरीब का नहीं है कुछ तब विधायक जी का 5 अंक में से कितने अंक दे चाहब अरे हम ये अपर वजन के पढ़े नहीं था गायक जी का काम चालू रखे पूरे अंक नहीं काम नहीं किए तो मतलब कोई अंक नहीं मिले हम लोग भूखे रहते कहां से तारा जी का रहे पता नाम है आपका ये कौन सा गांव है ये नल जल योजना का पानी आपके घर तक आ रहा है कुछ नहीं आ रहा वही देखे हो कि कहाँ है कुछ अपने से बोल ना करा है तो पानी भी ना मर जाए जो आपकी ये योजना चल रही है सरकार की हाँ। कोई ऐसी योजना है जो आप उसका लाभ पा रही हो कुछ नहीं पा रही सरकार की दी हुई योजना है कुछ नहीं किसान सम्मान निधि कुछ नहीं उज्ज्वला गैस कुछ नहीं कोई भी योजना आपको नहीं मिली कुछ नहीं मिला है या सरपंच इंजीनियर सिंह ठाकुर है तो हमारे बहू के नाम आ फिर लड़का दिए गैस नहीं दिए और सबको दिए पर हमारे लड़का को तो नहीं दिए एक लड़का तो दो बिटिया हमारा आदमी का करीब हो गया है 2 या 3 महीने खत्म हो गया तो क्या ये आपकी जो पेंशन है तो बन गई कुछ नहीं बना नहीं कुछ नहीं बना सही बताते हैं झूठ नहीं बताते ना लड़का का मिलता है ना हमको मिलता कुछ नहीं अपने कमाई आपको ये मालूम है कि आपके सिमरिया से कौन विधायक है पता नहीं कभी आए हैं विधायक जी यहाँ पे आए हैं है। अपना विधायक नहीं जाए इनको है इन त्रिपाठी कमनो आवे कर रहा है हाँ कमनो है हाँ हाँ तो फिर नहीं आए भाई विधायक जी के जो आपके विधायक है सिमरिया के कोई ऐसे काम आप जानती हैं कि बताएं 3, 4, 5 कोई भी काम उनके एक भी काम नहीं उनके तो आप उनके 4 साल के कार्यकाल में आप मान लीजिए 5 में से आप कितने नंबर देंगी उनको अब जाऊँ होगा तो देंगे काम के हिसाब से काम के हिसाब से हाँ हमको तो कभी मिला नहीं सरपंच भे विधायक भे और भे तो हम लोग तो देते गए परंतु हमको लोगों को तो कुछ नहीं मिला ये कौन सा गांव है आपका बैजनाथ है तो क्या समस्या आप लोगों की गैस महाधीर से चूल्हे में खाना बनाते हैं पीने का पानी आ रहा है नहीं आ रहा है लाइट लाइट जल रही है जल्दी आवाज का पैसा मिला आप लोगों सासू जी हैं सासू जी है। ससुर जी का कब खत्म हुए अपने आज 15 साल हो गए 15 साल हो गए सरकार द्वारा कोई लाभ मिला उसका कुछ नहीं कुछ लाभ नहीं कोई लाभ नहीं मिला आवास योजना मिली आपको आवास योजना नहीं मिली नहीं मिली कुछ भी नहीं मिला सरकार विधायक आपके 4 सालों में गांव पहुंचे नहीं पहुंचे कभी मिला नहीं आपने विधायक विधायक इन 4 सालों में आप उनको जो है तो 5 अंक से कितना अंक देना चाहेंगी 1 अंक का मत 0 अंक का मतलब बिल्कुल नहीं देंगे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है 5 अंक का मतलब सब कुछ हमें योजना मिली नहीं हमने कुछ नहीं मिला काटो यहाँ क्या घटना हो गई थी कहाँ नौकरी करते थे जेपी में किस पद पे थे ये मालूम है तो उनकी अनुकंपा नियुक्ति के लिए कुछ ऐसा रखे हैं कि फार्म और में जमा कराएं क्या हाँ बोले कि मिलेगा 3 महीने जब से वो
खत्म हो गया तब जमा कराएं। काम जमा हो गया, कोई कार्रवाई अभी उस पर नहीं किया? कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप विधायक जी से? विधायक जी से बोलना चाहते हैं कि हमारे भी बाल बच्चे हैं, उनको भी चाहिए पैसा कुछ उनके हाथ में जो कुछ भाई या? वो जो है आपकी नौकरी जो अनुकंपा नियुक्ति है, तो वो बात कहना चाहती आप? नौकरी देना चाहे तो नौकरी भी मिल सकती है। 11 महीने हमारे ससुर की थी बर्मा में थी, तो ना पेंशन का कोई चांस है ना कुछ, अब एक ही बच्चा है। तो उनके बाद जब वो एक्सपायर हुए थे तो कुछ पैसा तो कंपनी ने दिया होगा? कंपनी जब से करोना तब जब हुआ है तब हाँ। से पैसा उन्हें वैसे तो 20,000 तनख्वाह हाँ। कभी 5,000 कभी 6,000 कभी 10,000 ऐसे दे रहा है, और उनका रुका हुआ पैसा जो है वो भी नहीं मिला। भाई जो एक एक्स्ट्रा फंड था वो नहीं दिया है कंपनी ने अभी तक? वो भी अभी जमा कराया है फॉर्म। क्या नाम था ससुर जी का? राजेंद्र पांडे। राजेंद्र पांडे कौन से गांव से थोड़ा बताइए? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मुन्नी कोरी। हाँ, ये कौन सा गांव है? सुनरा नई बस्ती। सुनरा नई बस्ती। और ये नल जल योजना का पानी पहुंच रहा आप लोगों तक? नहीं पहुंच रहा, लाला पानी का तो बड़ा प्रयास कर रही थी, पानी है नहीं हमारे पेजन के लगी। पानी की यहाँ बड़ा तकलीफ है, बहुत तकलीफ है पानी का। ये हैंड पंप तो है आपके बगल में? हैंड पंप है तो नहीं चला था, एक आध बाल्टी चला था, और ये जो सप्लाई वाला रहा वहाँ बंद है, और पानी का हमारे पेजन का समस्या बहुत। कब से बंद है ये पानी? ये पानी आज 15 दिन से बंद है, ये हैंड पंप वाला। हैंड पंप वाला सप्लाई वाला। तो कहाँ जाना पड़ता है पानी लेने आप लोग? पानी ले हमें फिर बहुत दूर है, देखो कॉलोनी के जर्मा जाए थी लाला। अब जो कोबोर कराए थे मैंने चेहरी करे। विधायक जी आपके क्षेत्र के कभी आए आप लोगों की समस्या सुनने? हमारे पेजी कब हम नहीं आए लाला, कोई पता नहीं करे कि मर गए कि जिया थे, पानी पिया थे कि नहीं पिया। कब देखा आपने लास्ट बार विधायक जी को? कबहू नहीं देखे, कहे का दिखे कबहू नहीं नहीं देखा आप नहीं देखे। हम विधायक नहीं जाने की कौन है? अच्छा विधायक को भी आप लोग नहीं जानते? नहीं जानी लाला, विधायक नहीं जानी की कौन विधायक आई हमारा पचन के की कौन नही का हम पचन के राज छा कर ही की न कर। 4 साल में विधायक जी ने कुछ काम नहीं किया आपके गाँव के लिए? काम नहीं भलाला कुछ नहीं। उज्ज्वला योजना में आपको सिलेंडर मिला था? हाँ मिला, सिलेंडर मिला। सिलेंडर में ही खाना बनता है आपका? अरे काहे का बना थे सिलेंडर में खा का, ऊपर ही कंडा में बना था सिलेंडर रखा है बस। 1,000 रुपए मिल रहे आप लोगों को? 1,200 रुपया कुछ नहीं मिला है, लांगर हैं घोड़े से कहीं की 1,200 रुपया तक रेंद हो, 1,200 रुपया मिली जे 30 साल के हो, अजय 60 साल के हो तो लौका है कुछ नहीं मिला है। लांगर हैं घोड़े से पेंशन वाला बने का चाहिए तो वहाँ नहीं बना लाला, वो कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। कोई योजना है जो आपको मिल रही हो विधायक जी के द्वारा? कुछ हमें नहीं मिले, हद सास मारे लाई की अब देखा दे तो लवारी मानव टट्टी करा थी खटिया माँ, एक को लवारी अपना पसंद से नहीं बोल रहा है। लेटरिन नहीं बनी? लेटरिन बनी तो उठा के जब वो शक्ति हो मान ली पेंशन दुनिया संसार पा रहा है तो उन्हें से आशा लागत कि हम हूँ पाए, तो हमारा सास मरे लायक हो गए मगर आज तक पहुँच नहीं मिले। टीवी में बताओ जैसे अपना का नहीं मिले कैसे को नहीं मिले? अरे बहुत मिला था लाला। कुसुम कली कौन सा गांव है? हाँ। क्या समस्या अपनी? समस्या है पानी हम लोग पीते हैं लेकिन ये जो लगा है वो भी नहीं आ रहा। नल जल योजना का पानी नहीं मिल रहा? पानी पीने की व्यवस्था क्या है यहाँ पे? पानी पीने की व्यवस्था कुआं हैंडपम्प नहीं चल रहे? नहीं। कब कब से हैंडपम्प बिगड़े हुए हैं? ये 2-3 साल से इधर एक नल है तो बंद है। 3 साल से बिगड़ा? हाँ ये 3 साल से बिगड़ा है। और ये वाला कब से बिगड़ा? तो 7 साल से हो गया। तो विधायक द्वारा कोई नया हैंडपम्प दिया गया? नहीं दिया है। तो कोटा में गल्ला वल्ला मिलता है? कैसे मतलब महीना मिलता है कि 2-3 महीने में? हर महीने मिलता है। तो विधायक जी को आप जो है इन 4 सालों में कोई ऐसा काम है जो विधायक जी आपके गांव में कुछ करके गए हो नया? कोई काम नहीं करके गए? तो मान लीजिए 5 अंक में से आप विधायक जी को कितने अंक देंगी? क्या बताएं कितने अंक देंगे? कोई तो इच्छा है कि बिल्कुल जब कोई काम नहीं तो अंक क्या देंगी? देंगे लेकिन काम करेंगे जब नहीं देंगे। हाँ मतलब वही कितना देंगी? कौन सा गांव है? मनकहरी। यहाँ पानी नल जल योजना का मिल रहा आप लोगों को?
मिल तो रहा है लेकिन सही से नहीं मिल रहा, कभी थोड़ा थोड़ा आता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, थोड़ा बहुत आता है लेकिन उसमें भी तगाड़ी लगा के भरना पड़ता है हम लोगों को, बहुत मुश्किल से मिलता है पानी। पानी फोर्स नहीं, फोर्स नहीं है, अगर अंदर ले जाना चाहो तो एक भी नहीं जाता है, तब से वो भी बाल्टी वो भी नहीं आता है। पाँच साल में आपके विधायक जो 4 साल बीत गए उनके कोई काम इसमें नल जल तो दिख रही है और कोई काम दिख रही है, नाली बनी है तो उसका ये लगवाया नहीं है, तो हम लोगों ने इसको बनाया है क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैक्टर है तो उसको ले जाने के लिए जगह नहीं है, तो फिर इसको हम लोगों ने खुद से पार्टी बनाया, वहाँ तक तो बना दिया, हम लोग की गाय है भैंसे हैं तो अंदर नहीं जा पाती है। और विधायक जी ने कहा था ये पैक करने के लिए आए थे, कब बोले थे? आए तो थे लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है, बस आके बोल के चले जाते हैं। तो उनको जो है ये 4 साल के काम के ऊपर आप कितना नंबर देंगी 10 में से? 10 में से 2 नंबर दे देंगे दया पात्र से जी। हम लोगों को बिजली की बहुत परेशानी है। तुम क्या नाम है आपका? हमारा नाम बताइए ना। कोई बात नहीं है, अपनी समस्या बता रही है। हाँ भाई, ये कौन सा गांव है? ये मनकहरी है। क्या समस्या बताइए अपनी? हम लोगों को बिजली को भी परेशानी है, पानी की परेशानी है, या कोई आता नहीं है गांव में, गांव में ट्रांसफार्मर है लेकिन हम लोगों के बीच में नहीं है, वहाँ सब रोटी मोहल्ले में है तो यहाँ सब लोगों को लाइट की बहुत ज्यादा परेशानी है। मतलब केबिल तो लगी है यहाँ तक आपके घर? केबिल में करंट नहीं आता, लाइट करंट कुछ नहीं आता है। तो कनेक्शन धारी है आप सब लोग? हम सब लोग कनेक्शन धारी हैं। बिल तो हर महीने आता होगा? सब लोगों के पास बिल आता है, सब लोगों के पास मोटर है सब लोग, लेकिन यूज करने नहीं पाते हम लोग, लाइट नहीं मिलती। 4 साल के विधायक जी के काम के आप लोगों को अगर कहा जाए कि 4 साल जो विधायक जी के निकल गए उनमें से 10 में से आप कितने अंक देंगे विधायक जी को ये सब काम को लेके? हम लोगों का नेता चुनना नहीं है, कि हम लोगों को परेशानी के सिवाय महंगी के सिवाय कुछ मिल नहीं रहा। अब बिजली का बिल महीने में कितना आ रहा? 100 रुपए बिल आ रहा है। 100 रुपए। ये कौन सा गाँव है? मध्यपुर है सर। क्या समस्याएं हैं आपकी? यहाँ पानी का बहुत दुख है साहब, हमारे यहाँ पाइप बिछी है फिर भी पानी इसमें नहीं आ रहा है। कितने साल से बिछी है पाइप? ये आसों करीब 6 महीना पहले बिछ गई सर। अब तक पानी नहीं आया? पानी नहीं आया सर। बिजली? बिजली आती है तो टाइम में नहीं आती है, आदमी अगर कहीं चला गया काम में तो लाइट नहीं है तो पानी को फिर 3 किलोमीटर दूरी किसी की बोर में जाएं हम पानी लेने। विधायक जी कभी आपके आए गांव मोहल्ले पे पूछने? विधायक जी आए थे सर नई बस्ती में, नहीं आज 4 महीना पहले, जब से अभी नहीं आए। तो क्या कह गए थे वहाँ के? वहाँ रोड के लिए निर्माण किए थे नहीं पंडित के रोड के लाने पानी के लिए कोई। अब पानी के लिए कुछ बोला था? नहीं बोले थे सर। और आप लोगों का जैसे आवास आपका है क्या? नहीं आया सर अभी। हमको राशन कार्ड में गल्ला तक नहीं मिलता, हमारा राशन कार्ड नहीं बना ना पर्ची बनी है, हम सबको मोदी लाभ देता लेकिन हमको कोई लाभ नहीं मिला। जला की गैस मिली है? नहीं मिली सर, गैस भी नहीं मिल पाई। नहीं मिल पाई सर। विधायक जी के आपके गाँव में कोई 3 काम हो जो विधायक जी ने किया है? कोई काम नहीं 3 में कोई सर, हमारे जान में तो नहीं किए हैं, अब क्या बताएं, हम तो परेशान है खुद पानी के। मान लीजिए विधायक जी के इन 4 सालों में आपको देने के लिए बोले कि 5 अंक में से कितना अंक देंगे आप? अब हम क्या बताएं सर, हमसे कुछ पानी के लिए के अलावा हमको कुछ आता नहीं है, हम बताए हमको तो आवाज मिला नहीं तो हम यही जानते कि। मेरा नाम है मुन्नू कुमार यादव। कौन सा गाँव है ये? मध्यपुर है। क्या समस्याएं हैं इस मध्यपुर में? अरे यहाँ बिजली और पानी का समस्याएं हैं सर। पानी तो नल जल की योजना तो चल रही है? नहीं कोई नहीं चल रही, कहीं तक बना है कहीं तक कम्प्लीट नहीं हुआ, आधे गांव में आता आधे गांव में आता ही नहीं, और कोई सुनने वाला ऐसा नहीं है। तो आपके इस मध्यपुर में विधायक जी कभी आए इन 4 सालों में? हमको तो कभी नहीं मिले सर, न कोई आया यहाँ। और कोई उनके वोट के लिए आते हैं कि हमको वोट देना हमारी सरकार बनवाना, बाकी वोट ले लेने के बाद कोई नहीं आता हमारे मध्य। वो एक पन्ना प्रमुख भी हुआ करते हैं, उनके मध्यपुर में भी है जी? तो वो कभी आए पूछने? कोई नहीं आता है सर हमारे यहाँ, तो कोई नहीं आते हैं। विधायक जी के 4 सालों को देखते हुए आप कितना अंक देंगे विधायक जी को? कोई अंक हम नहीं देंगे सर, इसलिए कि हम कमाएंगे तब खाएंगे, विधायक जी हमको कमाई तो देते नहीं है, ना हमको लाभ कोई मिला है पंचायत से ना शासन द्वारा हमको कोई कुछ मिलता है, और जहाँ मिलता भी है तो कोई बताने वाला भी नहीं।
गल्ला मिलता है, है तो पैसा पैसा मांगता है। कोई काम अगर हम करवाना चाहते हैं कि हमारे पंचायत में आया है कि हम काम करवाना चाहते हैं तो यहाँ पैसा मांगा जा रहा है, पैसा दो तब हम काम करेंगे। आवास का पैसा मिला आपको? कोई पैसा नहीं मिला सर, आवास मिला ही नहीं हमारे यहाँ। और आपका सम्मान निधि पे है नाम? नहीं है सर। कोई योजना ऐसी जो सरकार की आपको मिलती हो? कोई नहीं मिला, सिर्फ गैस सिलेंडर भर मिला है बस। भराते हैं उसको, महंगा हो गया तो वो भरवाते नहीं सर। अब हम क्या करें, इतना महंग है सर कि हम बच्चे पेट पालें कि हम गैस सिलेंडर भरवाएं। ठीक है, ये कौन से गांव है ये? सोनरा। आपको पानी पीने की व्यवस्था यहाँ नल की क्या है? नल की व्यवस्था यही हैंडपम्प है लेकिन नुकसान पड़ा। नल जल योजना का कोई सुविधा नहीं, वो पाइप बिछा लेकिन पाइप लाइन ने पानी नहीं आ रहा। कितने सालों से बिछा? ये एक साल हो गया पाइप बिछे। इन चार सालों में विधायक जी से मुलाकात हुई? विधायक जी कोई सुनता नहीं, वहाँ जाते हैं। विधायक जी चुनाव के बाद नहीं आए इस गांव? नहीं आते। कोई तीन काम ऐसे जो विधायक जी ने चार सालों में अपने किया हो? कोई काम नहीं किया। कोई तीन काम नहीं किया? कोई तीन काम नहीं किया, यही एक पाइप बिछी है, वो पाइप खाली पाइप बस बिछी है। तो मतलब पांच अंक में आप विधायक जी को कितना अंक देना चाहेंगे इनके कामों को लेके? अरे हम एक को न दे चाह, एक को न दे चाह अभी उन्हें। ठीक है। उमेश कुमार चौधरी। ये कौन सा गांव है? छिजवार है। क्या समस्याएं हैं आपके छिजवार में? हमारी समस्या यहाँ है कि अब ये लाइट ये पानी चालू कर दिए जिस दिन से, ये चालू नहीं है। नाली है तो नाली हमारी है, खम्भा लाइट की व्यवस्था नहीं है मान लीजिए। ये नाली ये बताइए हम लोग पानी कहाँ डालें, कहाँ में के बताइए। इधर से आगे बंद है ना, उधर का रास्ता ना इधर का रास्ता आने जाने का। पानी पुली नाली भटी है? हाँ भटी है, बताइए इधर तो कहाँ वो नहीं है। आपके जो विधायक है सिमरिया के, तो चार सालों में आप लोगों के गांव में पहुंचे? अरे हम लोग तो कभी नहीं पहुंचे। आपके यहाँ जो है आवास का पैसा मिला? नहीं मिला सर, ये सब हम लोग मेहनत मजदूरी करके हम लोग ये सब इतना कर लिए। छाए एक चिड़ई भी बना लेती है अपनी कोठाई में, हम लोग तो इंसान हैं, मेहनत मजदूरी करके ये सब बनाए ना। ये टॉयलेट के लिए जो है ना लेटिंग का ना किसी को कहो का बोले, टॉयलेट का भी पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। तो आप सिमरिया विधायक से क्या कहना चाहेंगे कि ये चार साल बीत गए और आपकी ना नाली साफ हुई, ना टॉयलेट का पैसा मिला, ना पानी जो बोल गए थे नल जल योजना, तो क्या कहना चाहेंगे आप विधायक जी से? विधायक जी के हमारा काम करे तो वोट ले, नहीं तो हो गया फिर हमारा कोई वो नहीं है। बताइए कुछ हमको सुविधा नहीं है तो हम क्या ऐसे युवे के देंगे आप लोगों को? कुछ फायदा मिलेगा सर जी तब ना, आते हैं जाते हैं होगा लोग होगा कर देते के होगा कह देंगे आ रहे हैं होगा आते रहे। मतलब अब तक वो जो है आपके काम में सही नहीं उतरे। पांच अंकों में से आप विधायक जी को कितना अंक देंगे इन सब कामों को लेके? अरे जितना हमारा काम कर देगा तो हमें एक भी नहीं देंगे, कर देंगे तो देंगे। नहीं अब तो नहीं किया, अब परीक्षा आ गई, चुनाव आ गया। कौन सा गाँव है? छिजवार। आपकी क्या समस्याएं हैं? पानी आ रहा है यहाँ पे? पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, और आपकी समस्या क्या है? तबीयत खराब है, कोई मदद मिल रही है विधायक? हमारी कोई मदद नहीं मिल रही है, कैंसर है लीवर में, कोई मदद नहीं। दवाई कराएं जब तक कर्ज पानी मिला है। विधायक जी मिलने आए हैं आपसे एक भी बार? विधायक जी से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं। सांसद जी 50,000 रुपया देने की बात करते हैं कैंसर के लिए, तो आप आपको नहीं दिए? जी नहीं, गए हैं हम गीला तक गए हैं तो बोले कोई मदद नहीं। तुम आसमान से करो, बताइए आसमान से दवाई करेंगे? आसमान से कराते कराते पैसा खत्म हो गया, 2 लाख रुपए हमारा 2,80,000 खत्म हो गया। गरीब आदमी क्या कहेंगे? सांस हरा है कुछ नहीं, बताइए खाने पीने के लिए क्या कह के गए हैं विधायक जी? विधायक आसमान से दवाई कराइए, आसमान बताइए, आसमान भर चाटें कि उनको खाने को भी चाहिए ना कुछ। आयुष्मान से दवाई कराने के लिए बोले तो उससे नहीं हो पाई है? नहीं, हम रीवा तक गए हैं, यहाँ रीवा में गए हैं, एक दिन यहाँ संजय गांधी में आए तो बताए कि वो आसमान से दवाई। हमारी कोई मदद नहीं है। तो आपका कार्ड वगैरह बना है? जमीन कितनी है आपके पास? हमारे पास नहीं, जमीन नहीं, कुछ नहीं, सरकारी कुछ भी नहीं है। विधायक जी के कार्यकाल से आप खुश हैं? कितना नंबर देंगे, 5 में से कितना नंबर देंगे जी?
पांच में से कितना नंबर देंगे उनके काम को देख कर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रघुनंदन प्रसाद दुनकर, ग्राम जिरिया पोर्ट सतनी, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। बताइए आपकी क्या समस्या है? हमारे पास समस्या खाने पीने की नहीं है, खाने पीने को मिलता है काफी तरह से, रहने की व्यवस्था नहीं है हमारे पास, झोपड़ी तक नहीं है, हवा मारती हवा से उड़ जाती है। मतलब आवाज के पैसे आप लोगों को मिले? नहीं मिला, नहीं मिला। 200 बस्ती है हमारे मोहल्ले में, हर जन आदिवासी है, उसमें से 4-5 आवास मिले हैं, बाकी का आवास नहीं है। तो विधायक जी इन 4 सालों में तो आप लोगों के गाँव आए होंगे? विधायक भी कई साल आए, कई बार आए, तो कुछ वही बोले, वही बोलेंगे कि अभी नोटर नहीं चालू है, ये नहीं चालू है, आएगा, अभी तक आया नहीं। तो मतलब विधायक जी से आपने बात ये रखी थी? बात रखी, और उसका भी वो भी है, लिस्ट में भी नाम भी है, पर अभी आया नहीं, बोलते कि जब आएगा तो सभी का आएगा, अभी चालू नहीं है। मतलब कह देते हैं कि पोर्टल चालू नहीं? हाँ, पोर्टल चालू होगा तो आप लोग। तो 4 सालों में विधायक जी आपके पंचायत में 3 काम ऐसा किया है जो 4 सालों में, जो आप बता मीडिया के लोगों को, ऐसा बताइए कोई अगर 3 काम है तो। 3 काम में वही, अब क्या नल का योजना है, जल का योजना है, पानी तो अभी चालू नहीं हुआ, पाइप पर बिछी हुई है, पाइप ही लाइन है, पाइप बिछी है, पाइप चालू नहीं है, अभी काला खोद के आए ला रहे हैं, लेकिन वो आपके अभी चालू नहीं हुआ है। योजना तो बहुत सारी आती है जाती है, लेकिन अभी चालू विभाग नहीं। मतलब कोई काम नहीं किए? 3 काम आप तो बता नहीं पाए कि मतलब विधायक जी के दिखे नहीं? विधायक जी आए, देखे, सुने, सब कुछ किए, बोल रहे चालू है, चालू कर। मतलब 3 बारों खुद आए हैं? हाँ आए, चालू करने में लगे हैं, और जो ठेकेदार लोग हैं वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। अभी ये 1-1.5 साल से काम नाली का चल रहा है, टंकी का काम चल रहा है, टंकी कंप्लीट हो गई है, नाली का काम चल रहा है, तो नाली भी कंप्लीट है इसका, है पानी का। हाँ। अभी चालू नहीं हुआ, 1-2 बार चालू किए हैं पानी। विधायक जी का 5 नंबर में कई नंबर कई नंबर भी, अब उनकी किस्मत ही बताएगी। ये कौन सा गाँव है आपका? जिरिया कोठी टोला। तो, जी, तो क्या समस्या है इस टोले में? लाइट का व्यवस्था कब से गड़बड़ है? लाइट बहुत दिन से गड़बड़ है। एक दो साल हो गए? एक दो साल नहीं, साल भर हो गए। तो लाइट मतलब ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर उधर है। हाँ। लाइट कई खंभे गड़ गए हैं। हाँ। तो मतलब केबिल भर गड़ी है, खंभे गड़े हैं, मतलब लाइट यूज हम डोरी लगा के करते हैं इधर से, मतलब साल भर लाइट जलती ही नहीं है, ट्रांसफार्मर से लाइट नहीं आ रही, उससे भूमि के अर्थ में लाइट तार भर जलता है, तो साल भर से समस्या आप लोग। अब बिल आता है पानी पीने के लिए? संधारी हैं हम लोग, पानी पीने की समस्या? पानी तो ठीक है, कुआं हुआ है तो मतलब ये पाइप जो फिटिंग हुई है इससे पानी आता है, मतलब कनेक्शन धारी। हाँ, इसमें कराए हैं हम लोग, पानी आता है? नहीं आता, पानी नहीं आता। हाँ, पानी अभी तो काल पाइप की वाली है करी नहीं, अभी पाइप गल्ला मिलता है? गल्ला हाँ जी मिलता है। महीने में मिलता है कि 2-3 महीने में काट बार? महीने में। अच्छा, ये बताइए 4 सालों में विधायक जी आपके गांव में कुछ काम करके गए नया? विधायक जी हम पचे जानते हैं यहाँ को, विधायक कभी नहीं आए आपके यहाँ? जब यहाँ आई हूँ तब ना मनाई जाने की को है विधायक। तो 4 साल में उन्होंने जो काम किया है उसमें आप 5 में से कितना नंबर देंगे? 5 में से कितना नंबर देंगे उनके कार्य? अरे हम विधायक का नंबर ही नहीं जानते ना, हम जानते हैं हमको विधायक है तुम भाई, मतलब आप हो गया ठीक है। नाम है आपका? नागेश प्रसाद तिवारी। कौन से गांव में है? मनकाहरी। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या टिपुरी गांव, हमारा सरहदी है, पार हमारी जमीन है, वहाँ 24 तारीख को नपाई हुई 523 नंबर की। हाँ। वहाँ पर पुश्तैनी बगैर के हमारा गायब हो गया। मतलब पटवारी ने क्या कहा वहाँ जाने पे? कहीं पटवारी गैन बतान के का नाप जब गई जगह कितना है बता दे, हमारा कहाँ मिला थी कि नहीं मिला है, तब वो कब बताएंगे तो हम जगह हो दही 24 नंबर। अब पैसा ढीसे दिमाग कमल खिला वहाँ हमारा बगीचा न लैया बनैया जी बगीचा का आया भाई, आपका पेड़ था ना वहाँ आम है 25 पेड़ के लगा। हाँ, तो वो अब क्या हो गया वहाँ पे? नहीं है आम के जगह कमल हो गया,
आम आम की जगह में है, बगल में जगह बता बतिया उनकी वो तो है तो हम कमल खिला कमल खदान खोदी खदान कमल खोदी। तो अब शासन से क्या कहे चाहिए थे? शासन से यह चाहिए थी कि हमारा बगीचा बता दें कहाँ कहाँ हेट दें, कब से बदल गया, कहाँ हो गया, पूछता ही नहीं है, कम से कम सही करना मरीज कब देखे आज। और विधायक सिमरिया के कोई ऐसे तीन काम बताइए जो उन्होंने अपने चार साल कार्यकाल पे आपके मनकहरी में किया हो। उनके बलवा मर्डर लड़ाई भाइयों कुछ नहीं हुआ हो से बची अन मरज से कुशाह की सड़क बनवानी जबरदस्ती हमारे जमीन से निकाल के अय्या दिखाएं एस डी ओ आके या जैसे सरपंच 25 साल पहले भी हैं जैसे सरपंच सगले माटी मुरुम कंक्रीट बिछी है तो देखी है कंक्रीट बिछी है एक फलाने ऊपर झट कह दी तो ओका बनावे आन है बाकी नापे जो कस मतलब नहीं है। तो सिमरिया विधायक जो लड़ाई लड़ी पूरी फोर्स रीवा में मशहूर आए हुआ जो लड़ाई लड़ी सरपंच जेल लड़ गई मारू जाए एक ज्ञानी की बता दी है कि लड़ाई झगड़ा कुछ न की है हो सकी तो सबके फोटो लेवा है कहीं कहीं कमाई तो नहीं आए लड़े झगड़े में तब जी बचा पहल काम तैयार उनके बल से जहां देखा था हमारे डरे बेटियन टोला में उन्हीं के बल में भोग रहे हैं जेल में है उनके बल में इटहा माँ अहिबा मरा उन्हीं के बल माँ सिमरिया के मशहूरे है मारी उन्हें यह मिला उपा मिला। तो मतलब उनके ही कार्यकाल में अपना 5 अंक से कितने अंक दे चाहिए थे उनका? 0 चोर चोर उसे भाई ऐसे जीरो वाले हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुशील तिवारी। कौन सा गांव है? एक ग्राम मनकहरी। समस्या क्या है आपकी? समस्या यहाँ सारे गांव में पानी आता है, यहाँ 200 घर में पानी नहीं आता है, कनेक्शन घर में नहीं। कितने लोगों को पानी नहीं मिल रहा है यहाँ? कम से कम नहीं तो 100 घर में पानी नहीं मिल रहा है। कनेक्शन है पर पानी नहीं आ रहा। अब पानी नहीं आता है यहाँ, और घर में कनेक्शन है और घर में कनेक्शन नहीं है, पानी मोहल्ले में नहीं आता। गड्ढा खोद के चले गए हैं तो बोलते हैं कि नहीं लगेगा। आपने विधायक से बात बताई? विधायक से बताए तो बोले कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, आज तक कोई आया नहीं है। कितने कल निकल गए विधायक जी के बोलने के बाद? अरे कम से कम नहीं, आज 6 महीने से बोल रहे हैं। आप मान लीजिए इन 4 सालों के काम में विधायक जी को ये लगे कि 10 नंबर से कितना नंबर देंगे आप ये सब काम को? 0 0 नंबर देंगे सर। हमारे घर में पानी पीने को नहीं मिलता, हर रोड खोद गए हैं, पूरी रोड खोद दी है, कोई वाहन नहीं निकलता। ठीक लाइट का किलोमीटर से लेते हैं? लाइट 3000 बिल आवत नहीं है। केबिल में आवत ही लाइट नहीं आवे हैं? नहीं आवे। डायरेक्ट ट्रांसफार्मर फांसे है? डायरेक्ट बंद तार जी। भैया आपको पानी पीने की क्या सुविधा है? नल लगवा नहीं है भैया, आवत है रोड में बाहर है, घर में नहीं जाए। पानी नहीं चल रहा, पानी चलता ही नहीं है रोड में बाहर। नाली नाली तो हवा भट गया होता, पानी नहीं निकले घर के भीतर से। आप सिमरिया के विधायक को 5 साल में कितने नंबर देना चाहेंगे? 0 आपका क्या? 5 में से कितने नंबर देंगे उनके कार्यकाल में 4 साल? होगा तो नंबर दे दे। ठीक है ठीक है। कौन सा गांव है? मनकहरी जी। हम लोग अगर 181 में शिकायत करते हैं पानी तो हम लोग सामने कह रहे, हम लोगों का निराकरण अपने से आ जाता है। हम लोग बंद नहीं कराते शिकायत, पर वहीं से निराकरण आ जाता है कि आप लोगों का निराकरण कर दिया गया। मैसेज आता है कि आप मैसेज आता है, हम लोगों के मोबाइल में मैसेज है। अभी भी दो बार शिकायत अपने से निराकरण हो गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ के विधायक और वहाँ के शिवराज सिंह दोनों का मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई शिकायत करता है तो आप आके मतलब 181 पूरी तरह फेल है। फेल है, कोई मतलब नहीं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे शिवराज जी को यहाँ से, आप मनकहरी गांव से? हम तो यही देना चाहेंगे कि जो आपके चमचे लोग हैं उनको सुधारिए। अगर पार्टी को जिंदा रखना है तो उनको पहले सुधारिए, नहीं इस बार खत्म। और ये अपन 4 साल के जो कार्यकाल है विधायक जी के,
उनमें 10 नंबर में से आप कितने नंबर देंगे उन्हें? एक और नंबर नहीं पाएंगे, क्या नंबर पाएंगे? कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ 4 महीने से पानी सप्लाई चालू है, इस मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है। 200 परिवार बिना पानी के, मतलब व्याकुल, कहीं कोई बाहर जा रहा है, कोई कहीं जा। कितने वोटर की है ये आपकी पंचायत? 8,000। 8,000 के वोटर पानी बिना मर रहे हैं, बताइए। यहाँ पानी नहीं आ रहा है। अगर किसी की शिकायत करो 181 में तो अपने से निराकरण हो जाता। गड्ढा भर खोद दिए है, अब आदमी जाएगा किसके लगे। ये आपकी जो जन जागरण यात्रा है, आज उसका 5वां दिन है, तो कैसी रही आपकी यात्रा? आज जो है हम लोग हैं मनकेरी मसियार होते हुए, हम लोग जो है चौरा सतनी ये गाँव में अंदर में भ्रमण हुआ। आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर खोल खोल जन जागरण यात्रा पे चल रही है, और यहाँ पिछले 4 सालों के अंदर में इस क्षेत्र के विधायक के द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन कर रही है, पोल खोल यात्रा कर रही है। जिस प्रकार से पहले बताया गया है कि विधायक सिमरिया ने अपने 4 सालों में 8 करोड़ रुपये अपने क्षेत्र में खर्च किए हैं, जिनमें से इन्होंने 3 ही काम किए हैं। एक इन्होंने कमीशन का जो काम किया है, लगभग 5 करोड़ रुपये कमीशन इन्होंने वसूले होंगे, जिसका अंदाज़ा है। इसके लिए सबसे पहला काम इन्होंने यात्री प्रतीक्षालय बनाया, जिसकी कीमत होती है 1 लाख रुपये। इन्होंने 3,64,000 रुपये जो उसके लिए पे किए हैं। दूसरी जो है गांव-गांव में टैंकर दिया है, उस टैंकर की कीमत जो है, एक टैंकर खरीदे अगर सामान्य आदमी, उसकी टैंकर की कीमत जो है वो 70,000 रुपये है, किंतु इन्होंने यहां पर 1,74,000 रुपये देके, मतलब इसका मतलब है पर टैंकर 1 लाख रुपये। तीसरा काम जो इन्होंने किया वो ग्रेवर रोड है। ग्रेवर रोड का मतलब ये है कि मुरु मिट्टी का रोड, उस पर इन्होंने 3 करोड़ रुपये पूरे क्षेत्र विधानसभा में दिया है। आज उसी बात की जाँच करते हम सब पहुँचे थे इन समस्त 4 ग्राम में। आज मेरे द्वारा प्रमोद शर्मा और पूरी टीम, आम आदमी पार्टी की जो टीम है, ये घूमते हुए देखी कि पूरे क्षेत्र में बिजली का बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ पर जो है कहीं पर भी नल जल पेय योजना किसी भी ग्राम पंचायत में नहीं मिली। ग्राम पंचायत में व्यापक भ्रष्टाचार जो है सरपंचों के द्वारा किया, इसका सह पूरी तरह से विधानसभा सिमरिया केपी त्रिपाठी के साथ में है। पिछले 15 वर्षों से लगातार बीजेपी यहाँ पर है। इससे पहले भी जो लोग रहे, चाहे अभय मिश्रा हो, नीलम मिश्रा हो, वो कोई काम इस प्रकार का नहीं कर पाए। और इस वक्त जो है हम लोग जहाँ पर घूम के आ रहे हैं, गाँव में पानी के लिए त्राहिमाम है। लोगों के द्वारा जो है बिना पैसे के आवास नहीं मिल रहे हैं। लोगों के द्वारा जो है गांव में जो हैंडपंप है उस पर इन्हीं विधायक के मंडल कमंडल के लोग, इन्हीं के लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। पूरे क्षेत्र में तहमान है। लेकिन इसके साथ भी विपक्ष का, मेरे साथ 2018 का चुनाव लड़े हुए लोग जो कांग्रेस के हों या बसपा के हों, उन्होंने आज तक एक शब्द नहीं खोला, उससे ताजुब है। क्षेत्र में पूछा जा रहा है कि विधायक को आप कितने अंक देंगे, एक भी आदमी अभी तक नहीं मिला जिसने कह दे कि हम जो है 5 में से 1 अंक देंगे। इसलिए जो है आज जनजागरण यात्रा जो है यहाँ पहुँचा था मैं, और इसके लिए जो है ये कहूँगा समस्त क्षेत्र के लोगों से भी कि आगे आने वाले समय में अपनी जानकारी, अपने विधायक के बारे में जानकारी आप लोग हमको जरूर बताएं, और जो काम आपके बीच में हो वो काम हमको बताएं। अधिकारी, अफसर, मंत्री, मिनिस्टर, जो आपके गाँव का ग्राम सेवक या कोई अधिकारी हो, वो समस्त लोग जो तनख्वाह पाते हैं वो तनख्वाह देते हैं। आप जो सुबह से माचिस जलाते हैं रात को मॉर्निंग तक, कलेक्टर भी आपके क्षेत्र का जो तनख्वाह पाता है वो आपकी सेवा के लिए है। यदि वो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके बाल बच्चे जो पल रहे हैं वो आपके द्वारा दिए गए पैसे से हैं। ये जानकारी देने के लिए आम आदमी पार्टी